नमस्कार कृषि समाचारों में आपका स्वागत है सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर प्रदेश के कई जिलों में हुई तूफानी बारिश व सर्द हवाओं के चलते मसूर तथा राय की फसलों को खासा नुकसान पारा तेरह डिग्री से ऊपर बागवानी व सब्जियों की खेती करने वाले किसान पेड़ पौधों की समय से करें सिंचाई बदलते मौसम में पालतू पशुओं के खान पान का तथा स्वास्थ्य का रखें विशेष ध्यान और अब समाचार विस्तार से बीते दिनों प्रदेश के कई जिलों में हुई तूफानी बारिश ने सरसों की फसल को गिरा दिया है तो वहीं मसूर की फसल में फूल झड़ना शुरू हो गया है कृषि विशेषज्ञों के अनुसार बारिश के चलते मिट्टी नम हो जाती है ऐसे में तेज हवा का चलना सरसों के पौधों को गिरा या तोड़ सकता है मसूर की फसल में भी फूल झड़ शुरू हो गया है अगर इसी तरह मौसम का मिजाज रहा तो दलहनी एवं तिलहनी पैदावार घट जाएगी पारा तेरह डिग्री से ऊपर हो गया है वातावरण में गर्मी को ध्यान में रखते हुए बागवानी व सब्जियों की खेती करने वाले किसान बंधु पेड़ पौधों की समय से करें सिंचाई बागों की निराई गुड़ाई भी समय से करते रहें आम के नवरोपित एवं अमरूद पपीता तथा लीची के बागों की सिंचाई समय पर करते रहें आम को भुनगा कीट से बचाने के लिए मोनोक्रोटोफॉस 36 प्रतिशत एस एक दशमलव पाँच मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें आंवले के बाग़ में सिंचाई से पूर्व गुड़ाई करें एवं थाले बनाएं आंवले के एक वर्ष के पौधे के लिए पंद्रह किलोग्राम गोबर खाद सौ ग्राम नाइट्रोजन पचास ग्राम फास्फोरस तथा 75 ग्राम पोटास देना आवश्यक है दस वर्ष या उसे ऊपर के पौधों में यह मात्रा बढ़ जाएगी अंगूर में कटाई छटाई का कार्य पूरा कर लें अंगूर में प्रथम वर्ष गोबर खाद के अलावा 100 ग्राम नाइट्रोजन 60 ग्राम फास्फेट तथा 80 ग्राम प्रोटाश प्रति पौधा आवश्यक होता है आलू टमाटर तथा मिर्च में झुलसा रोग से बचाव के लिए मैंगोजेब 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें टमाटर की नर्सरी तैयार करने के लिए एक मीटर चौड़ी व तीन मीटर लंबी 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बनाई जानी चाहिए बीजों को बुआई से पूर्व पाँच ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए एक हेक्टेयर में पौधरोपण हेतु 400 से 500 ग्राम बीज तथा संकर किस्मों के लिए 150 से 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर उपयुक्त रहती है नर्सरी में पौधों को कीड़ों के प्रकोप से बचाने के लिए नीम तेल प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें पौधों की रोपाई के एक माह पूर्व 150 कुंतल पकी हुई गोबर की सड़ी खाद खेत में डालकर भली भांति मिला दें पौध लगाने से पूर्व 60 किलो नाइट्रोजन 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में छिड़काव करें ठंडे मौसम में पालतू पशुओं के भोजन में दाने की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए चारे में गन्ने अंगोले के साथ बरसीम का चारा मिलाकर पशुओं को दें पशुओं में लीवर फ्लू नियंत्रण के लिए कृमिनाशक दवा पिलवाएं तथा खुर पका मुँह पका रोग से बचाने के लिए टीका अवश्य लगवाएं। सर्दियों में पालतू पशुओं के थनों को चिटकने से बचाने के लिए धोने के पश्चात जीवाणुनाशक मलहम या मक्खन अवश्य लगा दें 10 किलो दूध देने वाली गाय को दिन में 4 किलो दाना व भैंस को 3.5 किलोग्राम दाना देना आवश्यक होता है गाय को पूरे दिन में 15 से 20 किलो हरा चारा व भैंस को 20 से 25 किलो हरे चारे की आवश्यकता होती है फसलों को पाला एवं तापक्रम से बचाने के लिए बौछारी विधि अत्यंत कारगर है इस विधि से नियंत्रित मात्रा में सिंचाई की जा सकती है साथ ही इस विधि से उर्वरक व कीटनाशक रसायनों का छिड़काव भी क्षमतापूर्वक किया जा सकता है बीते सप्ताहांत में प्रदेश में कई जगहों पर हुई हवादार बारिश ने दलहनी तिलहनी फसलों को नुकसान पहुंचाया है तो वहीं गेहूं की फसल को फायदा हुआ है गेहूं की तीसरी सिंचाई बुआई के 60 से पैंसठ दिन बाद गांठ बनने की अवस्था तक करें देर से बोए गए गेहूं में पहली सिंचाई बुआई के 17 से 20 दिन बाद करें बाद की सिंचाइयाँ पंद्रह से बीस दिन के अंतराल पर करनी चाहिए की फसल में समयानुसार सिंचाई करें चने को उकठा रोग से बचाने के लिए चार ग्राम ट्राइकोडरमा प्रति किलोग्राम की दर से भी शोधन या दो दशमलव पाँच शून्य किलोग्राम ट्राइकोडरमा को पिछहत्तर से सौ किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर भूमि शोधित करें बोई गई नई फसल में फूल आने से पहले सिंचाई करना लाभदायक होता है भारी भूमि वाली फसलों में फूल आने के पहले एक ही सिंचाई पर्याप्त होती है चने की फसल में सिंचाई के लगभग एक सप्ताह बाद हल्की गुड़ाई करना लाभदायक होता है फसल में झुलसा रोग की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर दो किलोग्राम जिंक मैग्नीस कार्बामेट को 800 लीटर पानी में घोल बनाकर फूल आने से पहले दूसरा छिड़काव करना उचित होता है राई सरसों की फसल में दाना भरने की अवस्था में सिंचाई करना फायदेमंद होता है फसल को झुलसा रोग से बचाने के लिए जिंक मैग्नीज कार्बामेट पिछहत्तर प्रतिशत की दो किलोग्राम मात्रा को 600 से 750 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें बरसीम की कटाई एवं सिंचाई 20 से 25 दिन के अंतर पर करें किसान भाइयों कृषि समाचारों के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं प्रदेश की कुछ प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों की अरहर दाल लखीमपुर की मंडी में सात हजार छाछठ रुपये प्रति कुंटल हमीरपुर में आठ हजार आठ सौ रुपये प्रति कुंटल बरेली में सात हजार पाँच सौ पाँच रुपये प्रति कुंटल बाराबंकी में सात हजार सात सौ नवासी रुपये प्रति कुंटल का औसत भाव रहा बाजरा आगरा की प्रमुख मंडी में एक हजार दो सौ उनचास रुपये प्रति कुंटल अलीगढ़ में एक हजार तीन सौ बीस रुपये प्रति कुंटल बदायूँ में एक हज़ार तीन सौ उनचास रुपये प्रति कुंटल इटावा में एक हज़ार रुपये प्रति कुंटल सेब उन्नाव की प्रमुख मंडी में छः हज़ार रुपये प्रति कुंटल सीतापुर में सात हज़ार रुपये प्रति कुंटल कानपुर में छः हज़ार रुपये प्रति कुंटल और गोंडा में छः हजार रुपये प्रति कुंटल के भाव से बिका जौ लखनऊ की प्रमुख मंडी में एक रुपए प्रति क्विंटल मेरठ में एक, एक रुपए प्रति क्विंटल कानपुर में एक रुपए प्रति क्विंटल और गोरखपुर में एक रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका तो किसान भाइयों ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव का हाल अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियाँ तब तक के लिए दीजिए अनुमति नमस्कार तो भाइयों कहते हैं कि अपना खेत अपनी खाद अपना बीज अपना स्वाद कहने का अभिप्राय है कि अगर हम अपने बीज का उत्पादन स्वयं करते हैं तो इसकी बात ही निराली है इसका लाभ हमको तो होता ही है साथ ही हमारे अन्य किसान भाइयों को भी इसका लाभ होता है तो इसी परिपेक्ष में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं कृषक स्तर पर बीज उत्पादन और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक डॉक्टर विष्ण प्रताप सिंह जी डॉक्टर साहब आपका स्वागत है नमस्कार किसान भाइयों डॉक्टर साहब सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं उन्नत बीज क्या होता है और इसका महत्व तो क्या है डॉक्टर बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा बीज ही सार है अगर हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है खाद्यान्न उत्पादन में दलहन तिलहन में तो मुख्य कार्य जो है इसमें बीज ही करता है और उन्नत बीज से हम अपने देश की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं और विदेशों में निर्यात करने की भी स्थिति में हम लोग हैं जी आपको याद होगा जब देश स्वतंत्र हुआ था तो हमारे पास जो है खाद्यान्न की बड़ी कमी थी हमको बाहर से अनाज मंगाना पड़ता था लेकिन जैसे ही हमारे पास अच्छे बीज आए विदेशों से आए अब हमारे देश के विश्वविद्यालय इसको बना रहे हैं और हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं दलहन तिलहन में भी हमने अपेक्षित उत्पादकता का स्तर प्राप्त किया है लेकिन चूंकि जनसंख्या ज्यादा है इस वजह से दलहन तिलहन में हमको बाहर से मंगाना पड़ता है लेकिन अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हैं और विदेशों में निर्यात भी कर रहे हैं और ये केवल बीज की वजह से हुआ डॉक्टर साहब अगर जहाँ बीज की बात आती है तो एक प्रश्न दिमाग में ये आता है कि बीज क्या एक ही प्रकार का होता है या कई प्रकार के होता है नहीं देखिए बीज को बनाने की एक लंबी प्रक्रिया होती है जी वैज्ञानिक लोग जब इसको बनाते हैं तो पहले उन्होंने न्यूक्लियस बीज बनाते हैं अच्छा एक बीज जिसमें हर गुण जैसा वो चाहते हैं उस तरह का बनाते हैं फिर उसको छोटे प्लॉट में ले जाके आधारीय बीज ब्रीडर बीज कहते हैं उसको बनाया जाता है और उस, उस ब्रीडर को उसका एक नाम दिया जाता है और उसको फिर अनुसंधान केंद्र हमारे जितने कृषि विश्वविद्यालय हैं उनको या कृषि विभाग को दिया जाता है कि ताकि उस बीज को और बढ़ाया जाए जी। जब तीसरी सीढ़ी जब आती है तो उसको फाउंडेशन बीज हो गया तो ब्रीडर बीज न्यूक्लियस बीज ब्रीडर बीज फिर फाउंडेशन और फाउंडेशन से फिर आ, अन्य लोगों किसानों को भी दिया जाता है कृषि विभाग के फार्मों को अन्य जो हमारे निगम है सीड कॉरपोरेशन है एन है टी है उनको दिया जाता है तो वो कृषक स्तर फिर प्रमाणित बीज का उत्पादन कराते हैं अच्छा। और प्रमाणित बीज फिर किसान भाइयों को दिया जाता है और ये बीज कम से कम दो साल तक आगे जी। एक साल उन्होंने बोया अगले दो साल तक उस बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी गुणवत्ता बनी रहती है उत्पादकता का स्तर बना रहता है और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं तो इसमें किसान भाई अपने हिसाब से उनको लेट वाला गेहूं चाहिए समय वाला गेहूं चाहिए कम अवधि का धान चाहिए ज्यादा अवधि का चाहिए सेंटेड धान चाहिए तो अपनी आवश्यकताएं आवश्यकता देखें उसके अनुसार उसके हिसाब से हर तरह की प्रजाति हमारी लंबी अवधि की है कम अवधि की भी हैं हर तरह की जो उनको सब, सूट करे जी डॉक्टर साहब हमारे जो किसान भाई बीज का उत्पादन करना चाहते हैं तो उनको बीज की उपलब्धता कहा से हो सकती है अब जो किसान भाई बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो उनको पहले तो देखना चाहिए उनको फाउंडेशन बीज कहीं से मिल जाए आधारीय बीज आधारीय आधार और ये कृषि विभाग के जो हमारे हर ब्लॉक में सी स्टोर है वहाँ मिल जाएगा या ये अपना रजिस्ट्रेशन स्वयं करा सकते हैं बीज विकास निगम किसानों के माध्यम से कराता है राष्ट्रीय बीज निगम एनएससी जिसको हम लोग कहते हैं वो भी कराते हैं इफ्को करा रहा है क्रिफको करा रहा है और तमाम कंपनियां करा रही हैं उनसे जुड़ सकते हैं या स्वयं उत्पादन करना चाहते हैं तो अपना भी उत्पादन कर सकते हैं आधारी बीज उनको ले आना पड़ेगा और उसको एक हमारे यहाँ राज्य सरकार में बीज प्रमाणीकरण संस्था है जी उसमें निदेशक स्तर के अधिकारी रहते हैं तो उनके हर जिले में इंस्पेक्टर्स वहाँ पे हैं जो उनको बीज उत्पादन की तकनीकी भी बताते हैं इंस्पेक्शन भी करते हैं और उसको गुणवत्ता युक्त बीज कैसे पैक हो बने उसकी पूरी जानकारी भी देते हैं और उनको सलाह देते हुए उसको उत्पादन में किसान भाई स्वयं अगर चाहें तो अपना उत्पादन कर सकते हैं उनकी मदद से अच्छा डॉक्टर साहब ये भी होता है कि हम किस क्षेत्र में रह रहे हैं और किस प्रजाति का हमें बीज लेना है इस पर भी आ, कुछ जी, जी बिल्कुल बिल्कुल आपको देखना पड़ेगा कि जी, जी किस किसी जिस जलवायु में आप हैं जिस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आप हैं उसके लिए कौन सी प्रजातियां संस्कृत की गई हैं तो उन्ही प्रजातियों को आपका आधारी बीज ले लीजिए और आप हो सकता है आप चाहते हो आपको लेट वाला गेहूं की प्रजाति की आवश्यकता हो समय से बोने वाली चाहिए या अर्ली चाहिए तो जैसी आपकी आवश्यकता हो या आप धान में जाना चाहते हैं धान में आपको सुगंधित चाहिए या आपको हाइब्रिड चाहिए या आपको मोटा धान चाहिए तो आपकी जो आवश्यकता है उसका आकलन कर लीजिए अगले साल आपको किस तरह का बीज लेना है उसका थोड़ा सा बीज आप इस साल ले आइए वो बीस गुना पच्चीस गुना हो जाएगा तो क्या डॉक्टर साहब हम अपनी मनपसंद बीज उत्पादन कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं आप आप अपनी आवश्यकता अगले साल हमें कौन सा बीज चाहिए होगा वो आप तय कर लीजिए और इस साल जाके उसको ले आइए और देखिए जब धान और गेहूं आप कर रहे हैं तो आपको कम से कम पच्चीस गुना आपको मिलेगा तो अगर आप पच्चीस बीघे की खेती कर रहे हैं धान तो आप एक बीघे का लिए थोड़ा ले आइए क्योंकि थोड़ा महंगा होता है और कम होता मिलता है तो आप एक बीघे के लिए ले आप अगले साल अपना चौबीस बीघा बोलिया फिर अगले साल एक बीघा के लिए तो हर साल इस तरह आपका बीज बदलता रहेगा और आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा अच्छा डॉक्टर साहब आपने जो बीज बताए आधार बीज न्यूक्लियस बीज और ये कई तरह के बीज बताए लेकिन एक संकर बीज की भी बात आती है ये संकर बीज क्या होता है ये हाइब्रिड कहते हैं गांव के लोग इसको जानते हैं तो हाइब्रिड हमारे पास धान में बहुत अच्छे आ गए हैं ज्वार बाजरा में आ गए हैं और अभी एक सरसों में भी आ गया है तो ये दो प्रजातियों का जब मेल करके और हम हाइब्रिड बीज का उत्पादन करते हैं तो वो किस ये ज्यादा तकनीकी इसमें इस्तेमाल होती है और किसान भाई अभी इसको करने में आ, कोई कोई ही सक्षम हो पाएगा तो मेरी ये सलाह है कि वो हाइब्रिड बीज को खरीद लें और चूंकि जैसे अब धान में आप देखिए सामान्य बीज दर है चालीस किलो लगता है एक हेक्टेयर में जीए जीए। जब हाइब्रिड खरीदेंगे तो 12 किलो में ही आपका काम चल जाएगा तो जैसे हम हाइब्रिड बीज आपने बताया तो उसका उत्पादन करते हैं तो क्या अगली बार भी उससे नहीं हाइब्रिड बीज आपने एक बार अगर बो लिया है तो अगली बार उस बीज को नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि अच्छा। उसमें कोई छोटा हो जाएगा कोई बड़ा हो जाएगा उसमें प्रजातियां कोई दो प्रजातियों का संकर है वो तो अगली बार जब आप बोएंगे तो कई तरह के हो जाएंगे एक तरह का आपको फसल नहीं मिलेगी तो ये किसान भाइयों के लिए सलाह है कि आप आ, जो हाइब्रिड बीज का उत्पादन बहुत ही तकनीकी है और उसको कंट्रोल्ड कंडीशन में हम लोग करते हैं वैज्ञानिकों की देख में होती है और बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है तो वो थोड़ा मुश्किल काम है कर सकते हैं किसान भाई अगर चाहें तो उसके लिए बकायदे हम लोग प्रशिक्षण की व्यवस्था दुआ कर सकता है हम आपको आंध्रा में जैसे बहुत अच्छा होता है वहाँ तीन फसल होती है धान की तो जल्दी से हाइब्रिड तैयार हो जाता है तो वहां ले जाकर हम लोग दिखा सकते हैं हमारे यहाँ धान के हाइब्रिड के लिए अनुकूल नहीं है कि जब हमारे यहाँ जब बीज बनता है तो हवा चलने लगती है बारिश होती है तो उससे थोड़ा सा उत्पादन बीज का कम होता है अच्छा डॉक्टर साहब जैसे हम बीज एक तो आपने बीज उत्पादन की बात बताई एक हम जैसे सामान्यता अनाज का उत्पादन करते हैं दोनों में फर्क क्या है जी अनाज उत्पादन आप कर रहे हैं और बीज उत्पादन तो जो बीज के लिए आप कर रहे हैं उसकी कटाई मड़ाई बुआई सब अलग से करनी पड़ेगी ताकि उसमें किसी अन्य प्रजाति का बीज अच्छा, मिल ना जाए अनाज में उतनी सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है तो इसमें शुरू से ही जैसे आपने बीज ले है आप उस खेत में बोइए तो अगर आप आधारी बीज लाएंगे तो उससे सफेद टैग एक लगा रहता है अच्छा वो वो आपको संभाल के रखना होगा जब इंस्पेक्शन करने के लिए बीज प्रमाणीकरण के संस्था के लोग आएंगे तो आप उनको सामने वो टैग रखेंगे तो उसमें सब लिखा रहता है और बोरा भी

पौधे से दूसरे पौधे में होता है पर परागण होता है अच्छा। तो उसमें दूरी करीब करीब पचास मीटर से ज्यादा रखनी पड़ती है इसमें पांच मीटर हो जाता है धान गेहूं में मुख्यता तो जो बगल का खेत है उसमें भी या तो वही प्रजाति आप बुआ या पाँच मीटर का कम से कम आपको दूरी छोड़नी अच्छा, पड़ती होनी चाहिए या आप जब कटाई कर रहे हैं तो पाँच मीटर छोड़ दीजिए वो अनाज में चला जाएगा पाँच मीटर अंदर से आपने काटा तो वो बीज के लिए करना फिर आपका वो बंडल अलग होना चाहिए खलियान में अलग जगह पे आप रखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह पे अलग से उसकी मड़ाई करिए अलग से उसका बोराबंदी करिए और ये इंस्पेक्शन जो है दो बार करते हैं लोग जो बीज प्रमाणीकरण के संस्था आपके खेत को देखने आएंगे तो दो बार करेंगे एक तो फसल में जब फूल आने लगता है उसके पहले आते हैं वो तो देख लेते हैं किसी अन्य प्रजाति का पौधा तो नहीं उग गया है तो आपको गाइड करेंगे ये अन्य प्रजाति का इसको हटा दीजिए तो सब एक ही प्रजाति के हो जाएंगे अच्छा डॉक्टर साहब जैसे क्या हम अन्य फसलों में जो सामान्यता हम अनाज उगाते हैं उसमें अपने खर पतवार नियंत्रण का भी ध्यान रखते हैं इस पर भी इसमें भी रखना पड़ता होगा तो और तो विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि आप बीज उत्पादन कर रहे हैं अपने लिए और आपसे ज्यादा बचा तो आप दूसरे को भी देंगे तो उसमें शत प्रतिशत आनुवांशिक शुद्धता होनी चाहिए जो बोया है वही काटना है हमको तो किसी भी तरह के खरपतवार कोई भी रोग उसमें दिख गया तुरंत निकालना है क्योंकि तो अगर रोग भी संक्रमित हो गया तो बीज जनित रोग आगे जाके फिर फैलाएगा जी। तो हमें किसी तरह का रोग भी इसमें नहीं चाहिए किसी तरह का खरपतवार नहीं चाहिए किसी भी अन्य प्रजाति का पौधा भी नहीं चाहिए इसलिए थोड़ी तकनीकी विशेष है और कृषि विभाग इसको आपको पूरी तकनीकी बताने के लिए हमारे जिला कृषि अधिकारी हैं हर तहसील पे हमारे उपसंभागी कृषि अधिकारी हैं या वहां पे उप कृषि निधि जिले पे हैं तो उनसे सलाह लेके एक बार इस कार्यक्रम में आ जाएं या जो प्रगतिशील कृषक हैं हैं जो पहले से ही कर रहे हैं, उनको जाके देख लें तो बहुत अच्छा किसान भाई करना अच्छा डॉक्टर साहब जैसे हम सामान्यतः जब हम खेती करते हैं तो बीजोपचार करते हैं भूमि उपचार भी करते हैं तो अगर बीज उत्पादन करना है तो प्रक्रियाएं यही रहती हैं या कुछ और विशेष यही प्रक्रिया रहती है और उसके बाद जब एक बार आपका बीज तैयार हो गया तो उसका बीजोपचार भी करके ही फिर वापस दोबारा करना होता है अच्छा और वो सीड सर्टिफिकेशन जो बीज प्रमाणी संस्था के लोग होते तो वो अपने सामने बीज उपचार कराते हैं तब उस बैग में भरवाते हैं फिर एक टैग लग जाएगा जैसे आधारी आपने बीज लिया और आपने जो उत्पादन किया वो हो जाएगा प्रमाणित बीज प्रमाणित सर्टिफाइड सीड तो उस पर नीला टैग लगता है अच्छा। तो उस उसपे कहा उगा कौन सी प्रजाति है कितनी आनुवंशिक शुद्धता है कितना जमाव प्रतिशत है वो सारी है। अगर लगा तो तो वो तो इस में नहीं पढ़ना चाहते आए उसको बोए और इसमें जितनी सावधानियां हम लोगों ने बनाई कोई खरपतवार नहीं कोई रोग नहीं कोई अनुप्रजाति का न रहे और उसको ट्रूथफुल का भी लेबल लगता है वो स्वयं अपनी संस्था का नाम लिख के स्वयं उपयोग कर सकते हैं या अपने साथी किसान भाइयों को भी दे सकते हैं उसको हम लोग सत्यापित बीज ट्रूथफुल कहते हैं जी जैसे जो अगर हम प्रमाणिक बीजों का उपयोग करते हैं तो क्या रोगों की संभावना भी कुछ कम रहती है जी चूंकि पूरी प्रक्रिया में हमने देखा है कि उस पौधे में कोई रोग न लगे उसके हम बीज उपचार करके ही हम आपको किसानों को दिया जाए तो ये बिल्कुल सुरक्षित होता है बीज और इसमें रोग कीट की संभावना न्यून होती है बजाय आप घर का अगर बो रहे हैं अच्छा घर का आप बीज बो रहे हैं तो आप गेहूं जैसे आपने सवा किलो दो डेढ़ किलो तक एक बीजा में डालते हैं इसको एक ही किलो से हो जाएगा अच्छा। तो वो भी आपके तो सबसे बड़ा फर्क है कि आपका उत्पादन बढ़ता ज्यादा कम कम बढ़ तो हो, हो उसका मूल्य अच्छा मिले डॉक्टर साहब आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे बहन भाइयों को दी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहनों भाइयों जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम बीज का उत्पादन कैसे कर सकते हैं किस तरह की सावधानियां हमको बरतनी चाहिए डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर अगर हम अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है हमें अनुमत दीजिए नमस्कार